Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start our seventh lecture. हम अपने सेवन लेक्चर के अंदर आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर्स हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस सिस्टम यूनिट एज वी आर डिस्कसिंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स। तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अंदर इनपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट और आउटपुट डिवाइसेस आते हैं। आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि इनपुट डिवाइसेस थी कि द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू फेड इंफॉर्मेशन डाटा इनटू द कंप्यूटर, इसी तरीके से आउटपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू टेक रिजल्ट्स फ्रॉम द कंप्यूटर। जैसे यहां पे लिखा है आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड इमेजेस ऑन द मॉनिटर और टू प्रिंट इंफॉर्मेशन ऑन पेपर। कि इन तीन चार तरीकों से आप कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी। जो इंफॉर्मेशन मॉनिटर के ऊपर आपको नजर आ सकती है, आप उसको टच नहीं कर सकते, तो ये सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। एंड एनीथिंग प्रिंटेड ऑन अ पेपर इज नोन एज हार्ड कॉपी और प्रिंट आउट। तो प्रिंट आउट और हार्ड कॉपी एक ही चीज है, क्योंकि आप फिजिकली इसको टच और फील कर सकते हैं। कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेज आर मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर एंड स्पीकर, और इन्हीं चारों को आज हम डिस्कस करने लगे। सबसे पहले मॉनिटर। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि इट इज यूज टू मॉनिटर समथिंग। जैसे क्लास के अंदर मॉनिटर होता है जो ऑब्जर्व करता है, और वो किसी भी किस्म की जो भी क्लास के अंदर मामलात होते हैं वो क्लास इंचार्ज को, टीचर को, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है उस तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। इन द सेम वे वट एवर इज हैपनिंग इन द सिस्टम यूनिट, वो सारा कुछ मॉनिटर के थ्रू ऑब्जर्व किया जा सकता है। ये एक आउटपुट डिवाइस है। इट इज एन आउटपुट डिवाइस दैट हैज अ स्क्रीन ऑन विच इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड। जैसे ये आपको दो मॉनिटर्स नजर आ रहे हैं। इट हैज टू कॉमन टाइप्स, सीआरटी और एलसीडी। सीआरटी अब तकरीबन ऑब्सोलीट हो चुकी है, कैथोड रे ट्यूब वाला मॉनिटर जो पीछे से काफी बड़ा होता है, जिस तरह पुराने टेलीविजन होते थे, और ये ज्यादा बिजली लेता था और हर तरीके से इसकी मतलब जो ग्लेयर था इसका, इसके अंदर पीछे इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई होती है जो सामने इस सबको प्रिंट करती है, वो आंखों के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसान देता। और ये अब खत्म हो गई है और अब हमारे पास आ चुकी हैं एलसीडीज, और एलसीडीज में भी काफी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आ चुका है, एलईडी आ चुकी है, लाइट इमिटिंग डायोड, प्लाज्मा आ चुका हुआ है, इसी तरीके से और बहुत सी हमारे पास आउटपुट के लिए, वैसे जिसको मल्टीमीडिया या प्रोजेक्टर भी कहा जाता है वो भी इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सीआरटी मॉनिटर इज वेरी सिमिलर टू ओल्ड टेलीविजन, इट इज ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट, खत्म हो चुका है, अब इस्तेमाल नहीं होता ड्यू टू इट्स बिग साइज एंड लो डिस्प्ले क्वालिटी। इसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी। एलसीडी मॉनिटर इज स्लिम, यूजेस लेस पावर एंड हैज बेटर डिस्प्ले क्वालिटी। तो अब सारी ही चीजें एलसीडी के अंदर बेहतर है, जगह भी कम लेता है, बिजली भी कम खाता है, डिस्प्ले भी बहुत ज्यादा अच्छा है, तो फिर कोई सीआरटी क्यों इस्तेमाल करेगा। Then CRT monitor, CRT and LCD monitors are shown in the figure. ये आपको figure में आ गए, और इस paragraph के अंदर से आपकी exercise का एक answer, question का answer निकलता है, जो कि question में अभी आपको नहीं बता रहा, यह आपने खुद देखना होगा। Alright जी, now we have printer. Printer पे जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं for your information. The first high speed printer was developed in 1953 by Remington Rand, an early American business machine manufacturer for use on UNIVAC computer. UNIVAC computer के ऊपर, जो के almost first generation के computer थे, उनके ऊपर ये इस्तेमाल करने के लिए as an output device बनाया गया था प्रिंटर वाला। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, और इससे अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं कि इससे जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो हार्ड कॉपी होता है, जिसको प्रिंट आउट भी कहा जाता है। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट्स टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन पेपर विच इज नोन एज हार्ड कॉपी। ग्राफिक्स इंक्लूड्स कोई भी पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर, इमेजेस भी इसमें आ जाते हैं और पिक्चर्स भी आ जाती है। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिक्चर एंड इमेज some other day. There are two types of printers which are impact and non-impact printer. Again, मैं आपको बताता चलूं कि you are lucky to learn computer because इसके अंदर nomenclature बहुत आसान होता है। Impact printer जो impact के साथ print करते हैं, और non-impact जो non-impact like जो strike नहीं करते, touch without touching or without striking the paper जो print करते हैं। ये मैंने आपको एक line के अंदर इन दोनों का मतलब समझा दिया। अब हम detail में देखते हैं impact printers. Impact printer uses electromechanical mechanism which causes the character shape to strike against the paper and leave an image of the character on the paper. Dot matrix printer is the most commonly used impact printers.
ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर जो चीजें हैं वो मूव भी करती हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल कह रहे हैं। और ये जब प्रिंटिंग हो रही होती है तो ये काफी ज्यादा नॉइज भी प्रोड्यूस करता है, और जितनी भी पुराने जो प्रिंटर्स थे वो सारे इंपैक्ट प्रिंटर्स थे, और अभी भी जहाँ पे रिसिप्ट्स जो आपकी ज्यादातर होती हैं लाइक किसी भी बेकरी के ऊपर या किसी मेडिकल स्टोर के ऊपर, पॉइंट ऑफ सेल के साथ, तो पॉइंट ऑफ सेल हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं, एटीएम मशीन के अंदर भी जो आपके पास प्रिंटर लगा हुआ था वो भी डॉट मैट्रिक्स ही होता है, और वो भी जरा उसकी बाहर निकलता है ना कर कर की आवाज सी आ रही होती है। द प्रिंटिंग स्पीड वेरीज फ्रॉम 50 to 500 करेक्टर्स पर सेकेंड, ये 50 से लेकर 500 करेक्टर्स को प्रिंट करता है। देखा जाए तो एज ए ह्यूमन बींग इसकी स्पीड काफी है, पर एज ए मशीन इट्स वेरी वेरी स्लो। आगे चलते हैं जी, नीचे कुछ इन्होंने डायग्राम्स दिए हुए हैं जिसके अंदर ये आपके पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये वाला, इंकजेट प्रिंटर है ये वाला, और लेजर प्रिंटर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपके स्कूल के ऑफिस के अंदर भी यही लगा हुआ है। ऑलराइट जी, देयर प्रिंटिंग इज वेरी चीप। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, उनकी होते तो बहुत सस्ते हैं पर प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत पुअर है। दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ नॉइज वाइल प्रिंटिंग एज आई हैव टोल्ड यू, दीज प्रिंटर्स आर स्टिल इन यूज ऑफ प्रिंटिंग इन वॉइसेस, ठीक, बैंक स्टेटमेंट्स, यूटिलिटी बिल्स एटसेट्रा। अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज शोन इन द फिगर, मैं आपको दिखा चुका हूं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट्स विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर, गॉट इट। देर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, एक इंकजेट और एक लेजर प्रिंटर्स। इंकजेट प्रिंटर्स के अंदर क्या होता है, इसमें कार्ट्रिज होती है, कार्ट्रिज एक जगह को कहते हैं जहां पर इंक रखी जाती है, ठीक है, और जो कि स्प्रे किया जाती है इस इंक को, ये लिक्विड फॉर्म के अंदर इंक होती है, उसको स्प्रे करते हैं पेपर के ऊपर एक फाइन नोजल्स के साथ, ठीक है। नोजल वो बारीक सा मुंह बना हुआ होता है जिसके अंदर वो स्प्रे की शक्ल के अंदर इंक निकलती है, वो जिस जहां से निकल रही होती है उसको प्रिंट हेड कहते हैं। लेजर प्रिंटर यूजेस टेक्नोलॉजी सिमिलर टू फोटोकॉपिंग मशीन, जबकि लेजर प्रिंटर जो है फोटोकॉपिंग मशीन वाली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। लेजर प्रिंटर इज मोर एक्सपेंसिव, फास्टर एंड हैव वेरी हाई प्रिंटिंग क्वालिटी कंपेयर टू इंकजेट प्रिंटर्स। अच्छा, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं ये तो ऑब्वियसली दे हैव मोर क्वालिटी देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, इंकजेट को और लेजर को, तो इंकजेट के अंदर क्वालिटी कम है, लेजर के अंदर सबसे ज्यादा क्वालिटी भी है, स्पीड भी सबसे ज्यादा है। इंकजेट प्रिंटर आर यूज्ड इन ऑल सेक्टर्स सच एज होम, सिंपल बिजनेसेस। लेजर प्रिंटर्स आर परफेक्ट फॉर लार्ज स्केल बिजनेस, जहां पर बहुत ज्यादा स्पीड और क्वालिटी मैटर करती है वहां पर हम लेजर प्रिंटर्स लगाते हैं, ठीक है जी। ऊपर इनकी भी हम तस्वीर देख चुके हैं, ये डॉट मैट्रिक्स, ए के अंदर, बी के अंदर इंकजेट, और सी के अंदर हमारे पास लेजर प्रिंटर्स। ऑलराइट, मूविंग ऑनवर्ड, प्लॉटर्स। आप में से आई डोंट थिंक किसी ने प्लॉटर्स देखे हुए होंगे, इफ यू आर लिविंग इन लाहौर तो हफीज सेंटर के बेसमेंट के अंदर ये प्लॉटर्स लगे हुए, या अगर आप लक्ष्मी जाते हैं तो वहां जो प्रिंटिंग प्रेस लगी हुई वहां पर ये लगे हुए। ऑफिस वगैरह के अंदर इस्तेमाल नहीं होते, और उसकी वजह यह है कि ये काफी बड़े बड़े प्रिंट्स लेने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बड़े प्रिंट से मुराद ये है कि आपने कोई बहुत बड़ा नक्शा प्रिंट करवाना है या बहुत बड़ी कोई एडवर्टीजमेंट है उसको प्रिंट करवाने के लिए, और ये काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं। अब हम इसको मजीद डिस्कस करते हैं। प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस यूज फॉर प्रिंटिंग इंजीनियरिंग ड्रॉइंग्स। इंजीनियरिंग ड्रॉइंग्स के अंदर क्या क्या मशीन पार्ट्स आ जाते हैं, बिल्डिंग डिजाइन वगैरह आ जाती हैं, मैप्स, ये सब कुछ इंजीनियरिंग ड्रॉइंग्स जिनको ब्लू प्रिंट्स भी कहते हैं ये आ जाती हैं। मैप्स, चार्ट्स एंड पैनाफ्लेक्सेस जो कि एड्स लगे हुए होते हैं डिफरेंट ऑन लार्ज स्केल पेपर शीट्स, काफी बड़े साइज के अंदर प्रिंट करवाने के लिए हम प्लॉटर्स इस्तेमाल करते हैं। सच लार्ज साइज प्रिंटिंग इज नॉट पॉसिबल ऑन प्रिंटर्स, तो वो क्योंकि छोटे प्रिंटर्स तो वो सिंपल पेजेस के ऊपर निकाल रहे होते हैं, A4, A5 लीगल लेटर साइज के पेपर के ऊपर निकल रहा होता है। इट इज मोर एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली इट इज मोर एक्सपेंसिव देन प्रिंटर। देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स, हमारे पास इंक प्लॉटर्स हैं और पेन प्लॉटर्स हैं। इंक प्लॉटर्स यूज प्रिंटिंग इमेजेस, वो पूरे पूरे इमेज को प्रिंट कर रहे होते हैं। पेन प्लॉटर्स जो हैं फॉर प्रिंटिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, मशीन पार्ट्स, बिल्डिंग डिजाइन एटसेट्रा, इन ब्लू प्रिंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है पेन प्लॉटर। प्लॉटर इज अ स्लो आउटपुट डिवाइस बट इट्स प्रिंटिंग क्वालिटी इज गुड। अब प्लॉटर इज शोन इन फिगर, ये आपके पास डायग्राम के अंदर प्लॉटर नजर भी आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट आउटपुट डिवाइस, आई डोंट थिंक इसको डिस्कस करने की भी जरूरत है। स्पीकर, एवरी वन ऑफ यू
नो इट वेरी वेल कि स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है और इसमें से क्या निकलता है जी, इसमें से हमें आवाज सुनाई देती है, ऑडियो आउटपुट आती है और ये आपके सिस्टम यूनिट के अंदर पीछे ऑडियो आउटपुट होती है जो पोर्ट के अंदर इसको कनेक्ट किया जाता है मदरबोर्ड के साथ और वहां से हमें इसका आउटपुट मिलता है। स्पीकर्स आर कॉमनली यूज विद मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स एंड फॉर प्लेइंग म्यूजिक एंड वीडियोस ऑन कंप्यूटर। अ पेयर ऑफ स्पीकर्स ये हमें शो कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग मेमोरी विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।